टी ट्री ऑयल के बारे में तो हम सब ने बहुत ज़्यादा सुना है, पर क्या आपने टी ट्री जेल के बारे में सुना है? तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये टी ट्री जेल यूज़ कर रही हूँ। टी ट्री ऑयल मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करते आ रही हूँ और मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा काम करता है, पर ये टी ट्री जेल मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ किया। तो आज इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ कि ये कैसा काम करता है और इसको यूज़ करना चाहिए या टी ट्री ऑयल ही बेटर है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोज अपलोड करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ये है गुड वाइब्स का टी ट्री जेल, जो कि ऐसी पैकेजिंग में आता है। मैं पैकेजिंग के ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि इसकी सारी जेल्स ऐसी ही पैकेजिंग में आती हैं और मैं बहुत सारे जेल्स का रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ गुड वाइब्स के, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको वो सारे मिल जाएंगे वीडियोस, आप वहाँ से चेक ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो जेल है ये केवल इसी साइज़ में अवेलेबल है, इसका कोई बड़ा छोटा साइज़ नहीं आता है। 50 ग्राम का पैक है, 175 रुपीज़ इसका MRP है और आफ्टर डिस्काउंट आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल। ये जो जेल है ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और क्रुएल्टी फ्री जेल है। इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है। तो आपको सिर्फ पर्पल की साइट पर ही मिलेगा और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो आप जल्दी से पर्पल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। पर्पल पे हमेशा बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चलते हैं। तो अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट्स पे 35% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप 999 की शॉपिंग करते हैं तो आपको एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। तो जल्दी से आप जो प्रोडक्ट है ये टी ट्री ऑयल से मिलके बना हुआ है, मतलब इसका की इन्ग्रीडियंट ही टी ट्री लीफ ऑयल है। साथ ही साथ बहुत सारे ऑयल्स और एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और इसमें कलर भी है, इसमें एक फ्रेग्रेंस भी है। और इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा इसकी तेज है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और कलर की बात करूँ तो ये ऐसा लाइट ग्रीन कलर का ये जेल है। ये जो जेल है ये वैसे तो सारे स्किन टाइप्स वालों को सूट करता है, पर जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, स्किन पे इरिटेशन है, इन्फ्लेम्ड स्किन है, डार्क स्पॉट्स हैं स्किन पे, तो ऐसे सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए ये बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्लेम क्या क्या करता है। तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इससे एक्ने पिंपल ठीक होंगे, एक्ने पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं वो दूर होंगे, स्किन को ये वाइट करेगा, मतलब स्किन वाइटनिंग का ये काम करेगा। साथ ही साथ स्किन को सूदिंग करता है, हाइड्रेट करता है, नरिशिंग करता है, हीलिंग करता है, स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है। तो ये सारे क्लेम ये प्रोडक्ट करता है। ये जो जेल है इसको सिर्फ आप स्किन पे ही नहीं अपने बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा होता है ईची स्कैल्प के लिए, अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो तो उसको भी दूर करता है। तो आप इसको अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। इसको आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप मॉइस्चराइज़र की तरह इसको लगा सकते हैं, या आप कोई भी पैक वगैरह बनाते हो उसमें मिक्स करके इसको लगा सकते हैं। तो जैसे भी आप यूज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं। अपने स्किन केयर रूटीन में जेल्स यूज़ करती ही करती हूँ और गुड वाइब्स की जो जेल्स हैं वो मेरी फेवरेट है। तो अभी कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, आपको लगाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कुछ लगाया भी है, बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी स्किन पर नहीं रहती है। बहुत अच्छे से मॉइस्चर करेगी आपकी स्किन को, हाइड्रेट करेगी। वैसे तो ऑयली स्किन है पर विंटर्स के कारण थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है, पर इसको लगाने के बाद वो ड्राइनेस बिल्कुल चली जाती है। तो ये सारे काम तो ये बहुत अच्छे से करता है। इसको लगाने के बाद थोड़ा ना कूलिंग इफेक्ट मिलता है, तो बड़ा सूदिंग लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर इसकी फ्रेग्रेंस लगाने की थोड़ी देर बाद चली जाती है, तो वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये एक्ने पिंपल को ठीक करता है। तो ये एक्ने पिंपल को तो नहीं ठीक करता है कि आपने लगाया और एक दो दिन में साइज कम हुआ पिंपल का, ये सारे काम ये नहीं करता है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं तो मैं एलोवेरा जेल में टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ,
जो कि बहुत अच्छा काम करता है। आप एक दो दिन में ही डिफरेंस देख सकते हो, मतलब पिंपल के साइज में डिफरेंस आपको नज़र आने लगता है, पर इसको लगाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं किसी भी जेल में टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगा लूँ, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ऐसे ही डार्क स्पॉट्स जाने में टाइम लगता है थोड़ा, और 8-10 दिन यूज़ करने के बाद ये डार्क स्पॉट्स को तो बिल्कुल कम नहीं करता है। हाँ, स्किन को हेल्दी ज़रूर बनाता है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट इस पर्पस से लेने वाले हो कि ये एक्ने पिंपल को ठीक करेगा, तो नहीं, मेरी स्किन पे तो इसने नहीं ठीक किया, इतना काम नहीं किया, ना ही डार्क स्पॉट्स रिड्यूस किए। पर अगर आप अपने स्किन को हाइड्रेट करना चाहते हो और कोई जेल यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई जेल यूज़ करना चाहते हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए, तो आप गुड वाइब्स के नीम तुलसी जेल है उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज जेल डार्क स्पॉट्स पे अच्छा काम करता है। उसका एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, जिसको लगाने के 2-3 दिन में ही आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। और आप सिर्फ अपने स्किन को हाइड्रेट करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक्ने पिंपल ये सारी प्रॉब्लम को दूर नहीं करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।